राजनाथ सिंह जी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम के चेयरमैन आदरणीय रमेश जी सब्बरवाल, और अभी अभी जिनका आपने उद्बोधन सुना है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय दत्तात्रेय जी होसवले, जस्टिस प्रमोद जी कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल आर के जी शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल एम एस गोसाई जी, लेफ्टिनेंट जनरल बी के चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष यक्ष सर्विसमैन एसोसिएशन, श्री पूर्व डीजीपी श्री अशोक कुमार भान जी और श्री सुदर्शन कुमार जी पूर्व डीजी, श्री यशन श्रीवास्तव, मेजर जनरल एस के जी शर्मा, परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह जी, डॉक्टर एस पी वेद जी पूर्व डीजीपी, लेफ्टिनेंट जनरल एल आर सगोत्रा जी, और यहां पर उपस्थित वीर गति प्राप्त सैनिकों एवं सुरक्षा कर्मियों के सभी सम्मानित परिवार के सदस्यगण, और हमारे साथ यहां पर उपस्थित हैं हमारे भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। बहनों भाइयों, अभी भी आप लोगों को आदरणीय दत्तात्रेय जी होसवले का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए यही कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने कारगिल विजय दिवस की यह 23वीं वर्षगांठ मनाने का जो फैसला किया है, उसके लिए जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम की जितने भी सराहना की जाए वह कम है। मैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम के बारे में लोगों से यह पूछ रहा था, इस फोरम की क्या भूमिका है। लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम ने विगत कुछ वर्षों में, एक दशक से अधिक हो गए, जिस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है, अब यह जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के आवाम की यह आवाज बनता जा रहा है। और इस जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उन्हें बधाई देता हूं। आज हम सब कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। यदि हम कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं तो हम केवल कारगिल के शहीदों की यहां पर याद नहीं करेंगे, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के बचाने के लिए जिन लोगों ने भी अपनी शहादत दी है, उन शहीदों की स्मृति को आज हम नमन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। बहनों भाइयों, मैं विचार करता हूं कि वह कौन सी ऐसी भावना है जो हमारे देश के नौजवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रेरणा देती है। जिस समय हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय भी हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को, फंदे को चूम लिया था, तब जाकर भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां कट पाई थी और भारत आजाद हुआ था। आजादी हासिल होने के बाद भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए भी हमारे देश के बहादुर सेना के जवानों ने, अन्य नागरिकों ने जिस प्रकार का अपना बलिदान दिया है, कौन सी ऐसी भावना है जो उन्हें बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है। मैं जब इस पर विचार करता हूं, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचता हूं, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। हर व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है, वह जिस समाज का होता है उस समाज का स्वाभिमान होता है, परिवार का स्वाभिमान होता है, वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना होती है। आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे, यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस और अशफाकुल्लाह खां जैसे नौजवानों को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेने की प्रेरणा दी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चंद्रशेखर आजाद की यही इलाहाबाद का कंपनी गार्डन उत्तर प्रदेश में, अंग्रेज जब उनके ऊपर गोलियां चला रहे थे और जब उनके रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची, तब उनके मन में यह विचार आया कि मैं अब अंग्रेजों की गोलियों से नहीं शहीद होना चाहूंगा, यदि मैं शहीद होना चाहूंगा तो अपनी ही गोली से शहीद होना चाहूंगा। तो अपनी रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, वह चंद्रशेखर आजाद ने किया था। बहनों भाइयों, वह राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रबल भावना थी जिसने की अपनी शहादत देने की प्रेरणा उन्हें दी थी।
मैं याद करना चाहता हूं अशफाकुल्ला खां को। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा जवान हो गया है, शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी, मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन जब फांसी, अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में उसे फांसी के तख्त पर ले जाया गया तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाएगा। बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी अशफाकुल्ला खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहा, ऐ मजिस्ट्रेट जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शहादत देने जा रहा है, अपनी शादी रचाने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्ला तुम पागल हो गए हो? फांसी के तख्त पर खड़े होकर कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? अशफाकुल्ला ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुझे दिखाई नहीं देता यह फांसी का फंदा, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही हमारा यह भारत आजाद हुआ है, और इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण ही आज हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में हमारे सेना के जवानों ने जो योगदान दिया है बहनों भाइयों, भारत उसे कभी भूल नहीं सकता है। और जिन भी हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए, मैं उन सारे शहीदों की स्मृति में शीश झुकाकर नमन करता हूं, और उन माताओं और उनके पिता, उनके भी चरणों में मैं शीश झुकाकर मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे लाल पैदा किए, जिन्होंने की अपने सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की अखंड एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, आज केवल हम यहां पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित नहीं है, सारे शहीद जिन्होंने की भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, उनके लिए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जानते हैं भारत जब से आजाद हुआ है, 1948 का भारत के ऊपर कबाइली हमला, और उसके बाद 1962 का चीन का भारत के ऊपर हमला, उसके बाद 1965, 1971 पाकिस्तान के साथ युद्ध, और अंतिम युद्ध जो हुआ वह 99 का कारगिल का यह युद्ध था। मैं यह मानता हूं 99 का जो कारगिल का युद्ध था वो फुल स्केल वार नहीं था, बल्कि वह एक लिमिटेड वार था, लेकिन हर वार में हमारे देश के सेना के नौजवानों ने अपनी शहादत दी है। और मेरे बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का यह पूरा इलाका मेन वार थिएटर बन गया था। जब से आजादी हासिल हुई है तब से यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यह पूरा इलाका ही है, यह पूरा मेन वार थिएटर बना हुआ है। आजादी के बाद से बराबर इस इलाके पर दुश्मनों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी, लेकिन अपने पराक्रम और बलिदान से के परिणाम स्वरूप यह हमारे दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने का काम हमारे देश की सेना के जवानों ने किया है। बहनों भाइयों, मैं यहां कुछ प्रमुख घटनाओं की चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, सेनाओं में तो कई ऑपरेशन हुए हैं, हो रहे हैं, और भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो होते रहेंगे, लेकिन यहां पर ऑपरेशन विजय नाम के जो एक ऑपरेशन हुआ था उसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशन किए जाते हैं, तो ऑपरेशन विजय का यह पहला नाम कब लोगों के सामने आया? आप सबको मालूम है रजौरी जिला इसी जम्मू के अंदर है, छोटी सी जगह है, झंगड़ में 1948 में जब कबाइलियों ने कब्जा कर लिया था बहनों भाइयों, तो उसमें उस कब्जे से झंगड़ को छुड़ाने की जिम्मेदारी यदि किसी को सौंपी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मान को यह जिम्मेदारी बहनों भाइयों सौंपी गई थी। और ब्रिगेडियर उस्मान ने जिस बहादुरी का परिचय दिया था उसकी दास्तां से मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर ही नहीं
बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। और उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक झंगड़ पर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह संकल्प लेने वाला भी कोई था तो ब्रिगेडियर उस्मान थे। बहनों भाई, यहीं पर मुझे याद आ जाती है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप ने भी यह संकल्प लिया था कि जब तक मेवाड़ को मैं आजादी नहीं दिला लूंगा तब तक मैं पलंग के ऊपर नहीं सोऊंगा। वैसा ही संकल्प ब्रिगेडियर उस्मान ने भी लिया, जब तक झंगड़ के ऊपर भारत का झंडा नहीं फहरा लूंगा तब तक मैं पलंग पर नहीं सोऊंगा। यह ब्रिगेडियर उस्मान का यह संकल्प। कल्पना करिए कैसे जीवट के यह तपतारे लोग थे। 1948 में झंगड़ के कब्जे के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को वीर गति प्राप्त हुई और उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यदि ब्रिगेडियर उस्मान चाहते, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान यदि चाहते मेरे बहनों भाइयों तो अपने बलूची रेजिमेंट के साथ वह पाकिस्तान में बने रहते, लेकिन वह एक सच्चे भारतीय थे। वह भारत के लिए लड़ रहे थे, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए भी लड़ रहे थे। आज ऐसे लोगों का स्मरण करने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, सभी का नाम तो यहां पर मैं नहीं ले सकता हूं, कई नामों की चर्चा हमारे आदरणीय दत्तात्रेय होसबले ने आपसे के सामने की है। मेजर सोमनाथ जी शर्मा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके योगदान को यह देश कैसे भूलेगा। हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, उन्हें वीरता के लिए परम वीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था और यह परम वीर चक्र प्राप्त करने वाले वह पहले हमारे भारत के नागरिक थे। और बहनों भाइयों, आज जो जम्मू कश्मीर का स्वरूप है, इस स्वरूप को बचाए रखने में, बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है हमारे भारत के सेना की नौजवानों का योगदान है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 50 के दशक में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी यदि कुछ गतिविधियां हुई हो तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन भारत, मगर चीन ने लद्दाख में कई ऐसी गतिविधियां की 1962 की, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिससे यह साफ हो गया था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, मैं भी एक विशेष राजनीतिक दल से आता हूं, मैं भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करना चाहता और किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं कोई सवाल या निशान भी नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं नीयत में किसी की खोट नहीं हो सकता है, नीतियों को लेकर विवाद हो सकता है, नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन किसी की नीयत के ऊपर मैं कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता। लेकिन 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और उसकी भरपाई मैं मानता हूं आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन आज भारत जिस तेजी से साथ आगे बढ़ रहा है, और आज मैं रक्षा मंत्री होने के नाते दंके की चोट पर कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अभी हमारा कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बनता जा रहा है, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन जाता जा रहा है। आपकी मुराद आज नहीं तो कल पूरी होगी, इस भरोसे और विश्वास के साथ हर भारतवासियों को अपने मजबूत दमखम के साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं। रिजांगला की लड़ाई भूल सकता है कोई 1962 में? बहनों भाइयों, रिजांगला का क्षेत्र जाकर कोई देखे, जब पहली बार रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद मैं जब लद्दाख गया, लोगों ने बताया साहब रिजांगला में हमारे 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी और अपने से 10 गुना अधिक चीन की फौज से उन्होंने संघर्ष किया था और चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने का काम यदि किसी ने किया था तो हमारे उस समय के बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 जवानों की टुकड़ी थी, उसी ने उन्हें रोका था। लेकिन मेजर शैतान सिंह सहित मेरे बहनों भाइयों 114 जवानों ने अपनी शहादत दी थी उस सीमा को बचाने के लिए रियांगला। मुझे यह बतलाया गया कि वहां पर इतनी बड़ी शहादत हमारे सेना के जवानों की हुई है, लेकिन जैसा एक मेमोरियल होना चाहिए, युद्ध स्मारक होना चाहिए, वहां पर नहीं है, छोटा सा एक स्मारक वहां पर बना हुआ है। हमारे साथ आर्मी चीफ भी थे और मैंने कहा कि नरावने जी
चाहे जितना भी पैसा लगेगा, एक भव्य स्मारक रियांगला की धरती पर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनमें कठिन लड़ाइयों में से एक रियांगला की भी लड़ाई रही है कि अपने से 10 गुना अधिक सेना के जवानों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में हमारे सेना के जवानों ने कैसे उसे कोई भूल सकता है। जब वह स्मारक रियांगला में बन गया तो मैंने कहा कि उसका उद्घाटन करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। हमारे साथ आर्मी चीफ, उस समय के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और कई सेना के अधिकारी गए। और बहनों भाइयों, जाकर वहां का दृश्य देखा, जिस तरीके से रह रहकर वहां पर तूफान खड़ा हो रहा था, मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा था किन परिस्थितियों में हमारे सेना के जवानों ने यह युद्ध लड़ा है, कल्पना मैं नहीं कर पा रहा। उसी समय मैंने देखा कि एक हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी थे, ब्रिगेडियर जटत, वह व्हील चेयर पर बैठे हुए आ रहे थे। मैंने पूछा कि यह कौन है, सिविल ड्रेस में थे, मैं पहचान नहीं पाया। किसी ने कहा कि उसी ब्रिगेड के यह भी हैं ब्रिगेडियर जटर, जो कि आज यहां पर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। बहनों भाइयों, उनकी व्हील चेयर को मैंने अपने हाथों से पकड़कर उनको आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था, और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ उनके चरणों पर चला गया। भूलना नहीं चाहिए बहनों भाइयों, और मैं कहता हूं हमारे शहीद परिवारों के जो लोग यहां पर बैठे हैं, सरकार कुछ जितना हो सकता था किया होगा, नहीं किया होगा, मैं कोई बाप दावे के साथ यहां नहीं कहना चाहता, लेकिन जनता की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि शहीद परिवारों को भरपूर सम्मान दिया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, जो भी मदद हो सकती है इन शहीद परिवारों की मदद करना, यह भारत की एक एक नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है। यदि हम इस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं तो मैं यह मानता हूं कि हम राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, यदि हम शहीद परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। 1971 में, वैसे तो आपको मालूम है 65 और 71 दोनों की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन 1970 में डिसाइसिव तरीके से, निर्णायक तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हराया था और अपनी कन्वेंशनल सुपीरियरिटी, पारंपरिक अपनी सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी उन्होंने स्थापित कर दी। 91,000 की संख्या में पाकिस्तान की सेना के लोग बंदी बनाए गए, और अभी हाल में ही 1971 की विजय की स्वर्ण जयंती मनाई गई है, भारतीय जवानों के शौर्य गाथा की बहुत ही विस्तार पूर्वक उसमें चर्चा हुई है। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी योद्धाओं की बहादुरी, मैं इसकी भी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन वहां के मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था बहनों भाइयों उस समय, उसको भी हम भारत कभी भी नहीं भूल सकता है। जब पिछले वर्ष जब उसकी स्वर्ण जयंती मनाई गई थी, उसमें मुक्ति वाहिनी योद्धा परिवारों से भी कुछ लोग आए थे। बहनों भाइयों, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं देख रहा था उनकी आंखों में चमक थी, जो उनके तेवर मैंने देखा, तो मैंने कहा कि यह 85 साल 88 साल के लोगों के आंखों में यह चमक है, और उनके चेहरे पर वह तेवर यदि दिखाई दे रहा है, जहां पर भी जिस देश में ऐसे नागरिक पैदा होते रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत उस देश की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत नहीं कर सकती है। बहनों भाइयों, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन कभी पड़ोसी नहीं बदल सकता है। पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए। हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पड़ोसी को क्या हो गया। बार बार उसके बाद मात खाने के बाद 65 और 71 में प्रॉक्सी वार का सिलसिला शुरू हो गया, और बराबर वह कहता रहा, वी कैन ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स, बराबर हम भारत को हजारों लाखों चोटियां पहुंचाते रहेंगे। कभी न्यूक्लियर पावर की बात दुनिया के कुछ देशों के द्वारा की गई, कभी किसी के द्वारा यह की गई बहनों भाई, लेकिन उन्हें 90 के दशक में भ्रम पैदा हो गया और वे भारत पर स्पेक्टुलर स्ट्राइक करके उसका कुछ हिस्से में वह प्रवेश कर गए। पता चला कि कारगिल ब्रास सेक्टर में वह घुसपैठ उनकी हो चुकी है,
बहनों भाइयों, उसके बाद हमारी सेना ने जो कुछ भी किया है वह आपसे छिपा हुआ नहीं है। पहले तो मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा, पहले तो लगा कि हर बार की तरह यह कोई छोटी मोटी घटना होगी, परंतु बाद में पता चला कि जो हमारे इलाके कब्जे में थे उसमें भी किसी हद तक वह प्रवेश कर गए हैं। लेकिन उसके बाद जब इस बात की जानकारी मिली तो हमारे भारत के सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। और मैं याद उस समय की यह भी आपको दिलाना चाहता, उसके एक साल पहले यानी मई में 98 में कारगिल न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ था, पोखरण परीक्षण भी हुआ था, सारा अंतर्राष्ट्रीय जगत, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई थी। और उस युद्ध में जिस तरीके से सारी दुनिया का समर्थन हमको प्राप्त होना चाहिए था वह प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी हिम्मत नहीं हारी बहनों भाइयों, और सेना के बराबर जवानों की और अधिकारियों के हौसला अफजाई करते रहे। और आपने सुना होगा अभी आदरणीय हमारे दत्तात्रेय जी आपके सामने बतला रहे थे कैसे बहादुर जवानों ने विक्रम बत्रा की चर्चा उन्होंने की है आपके सामने। कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा तो या तो भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए जाऊंगा, यदि हार गया तो तिरंगे झंडे में लिपट कर मैं जाऊंगा। जिस देश में माताओं ने ऐसे लालों को पैदा किया, जिस देश में भारत की माताओं ने ऐसे लाल पैदा किया हो, बहनों भाइयों किसकी हिम्मत है कैसे देश को वह गुलाम बना सके। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कुछ ताकतें ऐसी थी जो कि बार बार आकर भारत के प्रधानमंत्री को कहती थी भूलिए मत पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। लेकिन फिर भी हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सामने झुकना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और आपको मालूम है कि उसमें किस तरीके से हम सबको विजय प्राप्त हुई थी। पहले तो उसके पहले स्वयं बस पर चढ़कर पाकिस्तान व गए थे, और लाहौर का जिस तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था फरवरी 99 में, उससे भी आप परिचित हैं। हम कभी सोच नहीं सकते थे इतना बड़ा लाहौर डिक्लेरेशन होने के बाद पाकिस्तान इस प्रकार की नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने किया है मेरे बहनों भाई। कैप्टन मनोज पांडे की भी मैं यहां पर याद करना चाहता हूं, खलबार हिल्स पर कब्जा करने के दौरान उनको वीर गति प्राप्त हुई थी, परमवीर चक्र भी उन्हें मिला हुआ था। राइफलमैन संजय कुमार को भी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र उस समय प्राप्त हुआ था। ये सभी सैनिक भारत के युवाओं के लिए, भारत के नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं मेरे बहनों भाइयों। और आप जानते हैं अंततोगत्वा भारत को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी, और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आगे भी यदि हमारी विदेशी ताकतों ने हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की और यदि जंग हुआ तो फिर से विजय प्राप्त होगी, तो भारत को विजय प्राप्त होगी, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। आज यहां मैं एक बात की और मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ है, चाहे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ है, जम्मू कश्मीर की जनता बराबर सेना के जवानों के साथ खड़ी रही है। कुछ लोगों की बात छोड़ दी है, चाहे हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो, सभी भारत के सेना के जवानों के साथ खड़े रहे हैं बहनों भाइयों, हम इसको नहीं भूल सकते। प्रारंभ से ही जिस पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चर्चा अभी आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने की है, उनके द्वारा हमारे वहां पंडित प्रेमनाथ जी डोंगरा सब लोग ये कहते थे धारा 370 का यह आर्टिफिशियल लीगल बैरियर क्यों होना चाहिए जम्मू कश्मीर के साथ। क्या एक आंगन में यदि चार कोने होते हैं तो चार कोनों में क्या कोई स्पेशल कोना हुआ करता है? क्या किसी मां के चार औलादे हुआ करती हैं तो तीन औलादे नालायक होती हैं और एक लड़का कोई नौजवान या स्पेशल औलाद हुआ करती है? ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए उस समय भारत भी सोचता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमनाथ जी, डोंगरा जैसे लोगों ने उस समय नारा जो दिया था उसकी याद आपको अच्छी तरह होगी। दो विधान, दो निशान, दो प्रधान भारत में नहीं चलेंगे। और बहनों भाइयों, समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई, भारत ने जो उस समय सोचा था हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों सरकार बनने के बाद। और लीगल, एक आर्टिफिशियल लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ,
धारा 370 का हमने उसे समाप्त कर दिया। यहां पर मैं यह भी चर्चा करना चाहूंगा, कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसमें हमारे थल सेना, वायु सेना और हमारी जो जल सेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो ज्वाइंटनेस, जो एकता देखने को मिली है, एक दूसरे का जिस तरीके से सहयोग किया है, हम लोगों ने उसी से सीख लेते हुए फैसला किया है किसी प्रकार से अब ज्वाइंट कमांड, यहां पर ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे हमारे देश में, अब ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे और उस दिशा में हम तेजी के साथ, मेरे बहनों भाइयों, हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी लोग सवाल कहते हैं, सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू काश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, उसे हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। बहनों भाइयों, ये बराबर है, यह चीज हमको सालती रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और यहां पर अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे बहनों भाइयों, हमारी ताकत का जहां तक एहसास हमारे पड़ोसी को है, मैं एक घटना की याद दिलाना आपको चाहता हूं। पायलट अभिनंदन को लेकर, पायलट अभिनंदन के नाम से आप सभी परिचित हैं अच्छी तरह से, पायलट अभिनंदन जिस समय उनका हवाई जहाज वहां पर गिरा था, फाइटर प्लेन, और वह पाकिस्तान ने उनको बंदी बनाया था, जानते हैं वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें खड़े होकर कहा कि मुझे यह बतलाया गया है कि हमारे आर्मी चीफ पाकिस्तान के आए थे और उन्होंने यह बतलाया यदि अभिनंदन को रात को 9 बजे के पहले दे रिहा नहीं कर दिया गया तो पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा। और उन्होंने कहा कि हमारे आर्मी चीफ के मस्तक के ऊपर पसीना हो रहा था, बहुत घबराए हुए थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की नेशनल असेंबली में स्वयं उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, और आज भी उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसको निकालकर आप देख सकते हैं। तो बहनों भाइयों, इसीलिए मैंने कहा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है बहनों भाई, और हम सब भारत को और ताकतवर भारत बनाने में लगे हुए हैं। इंडो चाइना स्टैंड ऑफ जो कुछ भी हुआ उसमें जिस तरीके से हमारे भारत के सेना के जवानों ने अपने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें यहां के लोगों को नहीं मालूम होगी, लेकिन बहनों भाइयों, हमारे सेना के जवानों की जितने भी तारीफ की जाए वह कम है। और जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, मैं उनकी स्मृति में यहां पर मैं हृदय से मैं नमन करना चाहता हूं। यह हमको कभी नहीं मानना चाहिए, जब जब हमारे ऊपर हमला हुआ है सदैव हम लोगों ने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया है। जहां तक भारत का सवाल है, रक्षा के मामले में भारत दुनिया के दूसरे देशों से प्लेटफॉर्म्स लेता था, वेपन्स लेता था, एम्युनिशंस लेता था, राइफल्स लेता था, टैंक्स लेता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह फैसला किया है कि भारत इन मामलों में भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। टैंक बनने चाहिए तो भारत की धरती पर बनने चाहिए, लड़ने वाले हथियार यदि बनने चाहिए तो भारत की धरती पर यह हथियार बनने चाहिए, दुनिया के दूसरे देशों से नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो भी बजट निर्धारित हुआ है एक डेडलाइन हमने तय कर दिया है कि जितना बजट है उसमें से 68% डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी रक्षा संबंधित यदि खरीद होगी तो उन्हीं चीजों की खरीद होगी जो भारत की धरती पर बनते हैं और भारतवासियों के हाथों से बनते हैं, उन्हीं की खरीद होगी बहनों भाई। इसकी ओर जो है भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने कह दिया विदेशी कंपनियां जिनसे हम पहले ताजो सामान लेते थे, हथियार लेते थे, हमने कहा यदि आपके पास टेक्नोलॉजी है आइए भारत में बैठ बनाइए, इसमें भारतवासियों का भी हाथ होना चाहिए।
मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, यह संदेश हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को भी दिया है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं। पहले यह भारत हथियारों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर यानी आयात करने वाला देश माना जाता था हथियारों के मामले में। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बतलाना चाहता हूं, आज भारत हथियारों का आयात करने वाला दुनिया का नंबर वन कंट्री नहीं रह गया है, बल्कि आज टॉप 25 कंट्रीज में आकर भारत खड़ा हो गया है। मेरे बहनों भाई, एक्सपोर्टर कंट्रीज में भारत खड़ा हो गया। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब भारत दुनिया का नंबर वन एक्सपोर्टर कंट्री बनकर खड़ा होगा। और 8 वर्षों के अंदर जहां पर पहले 1.5-2 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट होता था भारत से, आज हमने इतने ही दिनों के अंदर 13 हजार करोड़ से अधिक का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया है। और हमने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि अब 2025 समाप्त होते होते 25-26 तक हमारा एक्सपोर्ट 35,000 से लेकर 40,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, 35,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ तक यह पहुंचना चाहिए, यह भी मैंने कहा है। मेरे बहनों भाइयों, आप सबको इतना ही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। भारत आगे बढ़ रहा है, और भारत यदि आगे बढ़ रहा है तो केवल सरकार के कारण नहीं, जनता का सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक यहां पर मैं कविता की मैं चर्चा करना चाहूंगा। देश वो टूटे जहां बलिदानों का बैठता पहरा नहीं था, देश वो टूटे जहां बलिदानियों का बैठता पहरा नहीं था, मानचित्रों की मिटी वे ही लकीरें रंग जिन पर रक्त का गहरा नहीं था। बहनों भाइयों, और हमारी सीमाओं के ऊपर, लकीरों के ऊपर तो रक्त ही बहुत ही गहरा है। बहनों भाइयों, तो कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता है, इस विश्वास के साथ हम सबको खड़े होना चाहिए। और इस रक्त को गहरा करने में जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः उन सारे शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए, और जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने ऐसे लाल पैदा किए, मैं उनके चरणों में शीश झुकाकर अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.